फोरगट, ठीक है बेटा, मिडगट, ठीक है, और हाइंडगट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल बेटा तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट को बेटा हम प्रोक्टोडियम भी कहते हैं, प्रोक्टोडियम भी कहते हैं बेटा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, कवर्ड बाय क्यूटिकल, ठीक है। फोरगट को बेटा प्रोक्टोडियम भी कहते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, कवर्ड बाय क्यूटिकल। मिडगट, सर आपकी वीडियो बफर करने लगी फिर। वीडियो ज्यादा बफर कर रही है क्या? अरे नहीं कर रही सर। प्रवीण तुम दोबारा यस ज्वाइन सर। करो यार, ओके ठीक है। मिडगट, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मिजेंट्रॉन, है ना। मिडगट को बेटा मिजेंट्रॉन भी कहते हैं, ठीक, ऑल्सो कॉल्ड मिजेंट्रॉन, कवर्ड बाय सर। है ना, मिजेंट्रॉन भी कहते हैं ना। मिडगट को बेटा सर मिजेंट्रॉन भी कहते हैं। हाँ हमारा कवर्ड दोनों बाई के बाद क्या है? कवर्ड बाई के बाद कवर्ड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल बेटा, क्यूटिकल, ओके सर। ठीक है। हाँ बोलो, स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है क्लियर है सर। बेटा? जो जो जिस जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक बार वो खुद अपना लीव आउट करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा। क्लियर देख है लो सर। प्रियंका, सब बोल रहे हैं कि क्लियर है। आप लोग खुद बेटा एक बार लॉग आउट करो, फिर लॉग इन करो। गुड स्क्रीन वॉइस ऑफ क्लियर है नीतीश, कह रहे आफ्टरनून। के बाद क्या लिखा है? कवर्ड हैं। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, कवर्ड बाय पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। हाइंडगट, इसको एक्टोडर्मल। बेटा, ओ सॉरी, फोरगट को हम स्ट्रोमोडियम कहते हैं बेटा, ठीक करना उसको। स्ट्रोमोडियम कहते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर कर लेना। हाइंडगट को हम प्रोक्टोडियम कहते हैं, ठीक है। ये बेटा एक्टोडर्मल होता है, कवर्ड बाय क्यूटिकल। ये एक्टोडर्मल होता है एंड कवर्ड बाय क्यूटिकल। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा? एक मिनट। ठीक है, तो फोरगट, मिडगट, हैंडगट। ठीक है, आगे चलो बेटा। सर वेट एक मिनट सर। फोरगट, सर लास्ट ठीक है स्लाइड बेटा, कर दो फोरगेट में बताओ क्या क्या होता है। सर। हाँ हाँ बोलो बेटा, लास्ट स्लाइड पिछली स्लाइड देख लो। हो गया। हो गया, ठीक है। फोरगेट हैज फॉलोइंग पार्ट्स, हाँ बेटा, फोरगेट्स में देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा। सबसे पहले आता है माउथ, माउथ कैसा होता है बेटा कॉकरोच का? बाइटिंग एंड कटिंग टाइप माउथ पार्ट्स।
फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आती है बेटा ईसोफेगस, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के, ईसोफेगस इज ए लॉन्ग ट्यूब, ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है और यहां पर बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हैज सलाइवरी ग्लैंड्स, हैज सलाइवरी ग्लैंड्स। ईसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है ना, और इसके अंदर बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्रॉप, क्रॉप, क्रॉप बेटा ईसोफेगस का ही पीछे वाला पार्ट होता है, चौड़ा होता है वो, पोस्टीरियर डायलेटेड पार्ट ऑफ ईसोफेगस। क्रॉप है ना, क्रॉप जो होता है बेटा वो पोस्टीरियर डायलेटेड पार्ट ऑफ ईसोफेगस होता सर ये माउथ के आगे क्या लिखा है आपने? ओके है। माउथ क्या बेटा, बाइटिंग एंड कटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं ना, ओके सर। है ना। और बेटा लास्ट पार्ट फोरगेट क्या क्या होता है, गिजार्ड। गिजार्ड को बेटा दूसरा नाम क्या देते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड को बेटा हम दूसरा नाम देते हैं, सर एक बार क्रॉप समझा दो। है ना। हाँ बेटा बोलो रजत, है ना। क्रॉप गिजार्ड को बेटा क्या नाम देते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। इट हैज पावरफुल मसल्स, नहीं इट हैज पावरफुल मसल्स टू क्रश फूड, ठीक है। इट हैज पावरफुल मसल्स, है ना, टू क्रश फूड, टू क्रश फूड, है आर्मेरियम सर ना, क्रश फूड, है ना बेटा। और इसके अंदर बेटा टीथ लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसे आर्मेरियम कहते हैं। इट और इट हैज टीथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड आर्मेरियम। ठीक है बेटा, टीथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड आर्मेरियम, है ना, टू फर्दर क्रश फूड। टीथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड आर्मेरियम, है ना, टू फर्दर क्रश फूड। इसके अलावा इसमें बेटा एक पेरिट्रॉफिक वाल्व भी होता है ना। इट ऑल्सो हैज स्ट्रोमोडियल वाल्व, इट ऑल्सो हैज स्ट्रोमोडियल वाल्व, ताकि फूड वापस ना चला जाए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। है ना, इट ऑल्सो हैज स्ट्रोमोडियल वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। इसके अंदर बेटा स्ट्रोमोडियल वाल्व भी होता है ना, बैक फ्लो रोकने के लिए। क्लियर हो गया, ये है बेटा फोरगट। अब याद रखना बेटा, नोट करके, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट में आर प्रेजेंट, है ना, 6 to 8 बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेपेटिक प्लेट। ठीक एनसीईआरटी ने क्या लिखा, बैग लाइक लिखा है, सैक लाइक लिखा है, हेपेटिक सीके, है
है ना, ये बेटे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, इनका नंबर याद रखना, 6 से 8 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सर एनसीईआरटी में 6 टू 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स लिखा हुआ है। ब्लाइंड टिब्यूल्स है? नहीं नहीं बेटा, ब्लाइंड टिब्यूल्स तो उसके लिए ब्लाइंड टिब्यूल्स लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। 6 टू 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स। ठीक है, कॉर्ड हेपेटिक सीक है, ये बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, दे आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। फिर आते हैं मिडगट। मिडगट, मिडगट को बेटा मेसेंट्रॉन कहते हैं। मिडगट को मेसेंट्रॉन कहते हैं। सर हेपेटिक सी के ही डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेसेंट्रॉन, ये बेटा मेन पार्ट होती है। इट इज मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इट इज मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, वेयर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, ये मेन पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जहां मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है बेटा फूड का ना, मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। क्लियर हो गया बेटा? आगे चल। फिर आता है बेटा हाइंड गट। सर लास्ट स्लाइड करना एक मिनट के लिए बस। क्लियर है? यस सर। फिर आता है बेटा हाइंड गट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, है ना, आर प्रेजेंट क्या मालपिगियन टिब्यूल्स। कैसे स्ट्रक्चर मालपिगियन की? नहीं नहीं वो तो ठीक है, उनका नाम, उनका कुछ डिस्क्रिप्शन भी होगा ना। थिन फिलामेंटस। फिलामेंटस, थिन फिलामेंटस। येलो फिलामेंटस मैलेफिगेंट ट्यूब। येलो कलर्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर 100 to 150 होते हैं। हाँ, कॉल्ड मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स ठीक है, 100 to 115 नंबर। 300 to 115 नंबर, दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, हाइंड गट बेटा तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। हाइंड गट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम।
सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। सर ओके ठीक है ना। इट हैज पैड लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेसेस अपॉन द फूड टू रीअब्सॉर्ब इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ वॉटर फ्रॉम द फूड। So that fecal matter which passes out is completely dry. And devoid of water. Hindgut. शरीर क्या लिखा है अपॉन फूड टू है ना टू रीअब्सॉर्ब इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ वॉटर फ्रॉम द फूड टू रीअब्सॉर्ब इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ वॉटर फ्रॉम द फूड है ना सो दैट फीकल मैटर विच पासिस आउट इज कंप्लीटली ड्राई है ना सो दैट fecal matter which passes out is completely dry and devoid of any water. Now, fecal matter. Sir, food too? Huh? Food too ke baad kya likha hai? To reabsorb. And it, to reabsorb okay. Even the last drop of water from the food. And so that fecal matter which passes out is completely dry and devoid of any water. Sir, dry के बाद क्या लिखा है? And devoid of any water. And devoid of any water. ठीक है? आगे चलो. Yes, sir. एक मिनट सर इवेंट से बताइएगा एक बार इवेंट huh? से रीअब्सॉर्ब इवेंट के बाद विच प्रेसेस अपॉन द फूड टू रीअब्सॉर्ब इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ वॉटर आखिरी बूंद भी वापस खींच लेते हैं पानी की तो उससे क्या होता है कि जो फीकल मैटर है वो पूरा ड्राई होता है ना इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ वॉटर फ्रॉम द फूड सो दैट फीकल मैटर विच पासिस आउट इज कंप्लीटली ड्राई एंड डिवॉइड ऑफ एनी वॉटर सर ये रीअब्सॉर्ब आएगा या एब्सॉर्ब आएगा कुछ भी लिख ले बेटा ठीक है रीअब्सॉर्ब इसमें अरे यार मैं कर देता हूं उसे रीअब्सॉर्ब मुझे जल्दी है जाने की तू उसमें एब्सॉर्ब और रीअब्सॉर्ब के चक्कर में लगा हुआ मैं कर देता हूं अब ठीक है सर ठीक है आगे चल बेटा अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज का होता है बेटा ट्रैकिया और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं ब्रांचेस को बेटा क्या नाम देते हैं ट्रैक्यूल्स यह है स्पाइरिकल है ना ओपनिंग्स को बेटा स्पाइरिकल्स कहते हैं ये ट्रैकिया है और ये बेटा ट्रैक्यूल्स है
ये बेटा रिंग्स होते हैं ना। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, लिख लेना। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना बेटा, कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिया एंड इट्स ब्रांचेस कॉल्ड है ना ट्रैक्यूल्स, कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया एंड इट्स ब्रांचेस है ना कॉल्ड ट्रैक्यूल्स, ट्रैकिया है ना एंड इट्स ब्रांचेस सर वो स्पाइरिकल सर, हाँ स्पाइरिकल है ना। हाय, हाँ आई विल कम टुडे Around 3, I will come around 3, 2:33. Okay. Trachea and its branches, है ना, called tracheoles, ठीक है? अब एक चीज याद रखना, ये जो बेटा सिस्टम होता है ना, ये देख, जैसे हमारा ट्रैकिया यहाँ पे आया, ध्यान से सुन लो बेटा, है ना, हमारा ट्रैकिया यहाँ तक आया, और फिर वो ट्रैकिया हमारा ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है, ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचती है हमारी, फिर लंग से ऑक्सीजन को उठा करके पूरी बॉडी में सप्लाई करने की जिम्मेदारी बेटा ब्लड की होती है, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। कॉकरोच में जो ट्रैकिया है बेटा वो पूरी बॉडी में डिवाइड कर जाता है, ठीक है, और पूरी बॉडी में ट्रैकियोल्स के थ्रू डिवाइड करता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई होता है सर, डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ट्रैकिया और कॉकरोच के अंदर खुद ही डिवाइड कर जाता है बेटा, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं देता वो जिम्मेदारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की, खुद पूरी बॉडी में अपनी ब्रांचेस ट्रैकियोल्स के थ्रू डिवाइड करता है और पूरी बॉडी के अंदर खुद ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ट्रैकिया एंड इट्स ब्रांचेस कॉल्ड ट्रैकियोल्स है ना, विच सप्लाइज ऑक्सीजन डायरेक्टली टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बेटा डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई करती है हर एक पार्ट को, है ना, दे सप्लाई ऑक्सीजन डायरेक्टली टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, याद रखना बेटा, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का, है ना, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन है पूरे एनिमल किंगडम में, दे सप्लाई ऑक्सीजन डायरेक्टली टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, ये बेस्ट सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का एनिमल किंगडम का, ठीक है, बेस्ट सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इन द एनिमल किंगडम। क्लियर हो गया बेटा? अगला लिख लो, सप्लाईज ऑक्सीजन डायरेक्टली टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द स्पाइरल, ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया को क्या नाम देते हैं बेटा? स्पाइरिकल। ठीक है बेटा, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया को बेटा क्या नाम देते हैं? स्पाइरिकल्स। कितने है ना, तो स्पाइरिकल्स बेटा हमारे किसके सिमिलर होते हैं, कौन बता रहा है? नॉस्ट्रिल्स। वेरी गुड बेटा, आर सिमिलर टू नॉस्ट्रिल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक बात सुनो तुम सब, कान खोल के सुन रहे हो? यस सर। कि अगर सैटरडे संडे खुल गया, ठीक है, तो संडे भी हम क्लास रखेंगे, तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी,
क्योंकि फिर दो दिन क्लासेज हो जाएंगी, थर्सडे और संडे। लेकिन आप ये भी देखो बेटा कि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ साथ, है ना, हम भी चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो एकदम ट्रैक पे आ जाए, ठीक है। तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थर्सडे के साथ साथ अगर बेटा खुल जाता है, सैटरडे तो आपकी फिजिक्स होती है, तो मैं संडे भी क्लास लूंगा कुछ, ठीक है, ज्यादा नहीं, दो एक हफ्ते, दो एक संडे लूंगा, ताकि आपका सिलेबस पटरी पे आ जाए, ठीक है। तो हम आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ताकि आप कहो कि संडे क्यों आ गए सर आप अपनी शक्ल दिखाने के लिए, ठीक है। दो एक संडे में क्लास लूंगा एक्स्ट्रा थोड़ी सी, और सिलेबस को हम ट्रैक पे लेकर के आएंगे। देखो सब चुप हो गए, सबको जैसे एकदम सेटबैक लग गया। यस सर, जिस संडे को टेस्ट नहीं होगा उस संडे को ले लीजिएगा। अरे तो मार पिटाई थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ाई तो रहे हैं, अच्छी बात ही तो कर रहे हैं तुम्हारे साथ। यस सर, कोई इशू नहीं है, मार थोड़ी रहा हूं तुम्हें पकड़ के, पढ़ाई तो रहा, डॉक्टर ही तो बना रहा हूं। देखो सर, जिस संडे को टेस्ट नहीं होगा उस संडे को ले लीजिएगा क्लास। टेस्ट का मैनेज कर लेंगे जैसे भी, है ना, पहले टेस्ट भी देखेंगे, ऐसा होगा कि आपका टेस्ट भी सफर ना करे, क्लास भी सफर ना करे, कुछ इस टाइप का हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। ओके सर। अमन बेटा, अभी मैंने आपको टेंटेटिवली बताया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, अब वो एग्जैक्ट किस तरह से होगा वो जब होगा तभी आपको पता चलेगा। नेचुरली अगर आपका टेस्ट होता है तो मैनेजमेंट को ये बात भी पता है कि टेस्ट होता है, तो कुछ इस तरह का प्लानिंग करेंगे कि आपकी कोई भी चीज सफर ना करे, ठीक है, हर चीज स्मूथली हो जाए। लेकिन दो एक संडे बेटा लेने पड़ेंगे, यू विल अप्रिशिएट, कि नहीं तो हमारा ये सिलेबस टाइम पे नहीं आएगा बेटा, है ना, थोड़ी सी दो तीन संडे मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पैरिकल्स, अच्छा कितने स्पैरिकल्स होते हैं बेटा? देर आर 10 पेयर्स ऑफ 10 पेयर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे कौन से हैं बेटा इसमें? भावना तुम ऑनलाइन हो ना, अमरनाथ भी ऑनलाइन है ना? यस सर। ऑनलाइन में बेटा तुम्हारा, मैं फिजियोलॉजी में क्या करा रहा था, न्यूरल सिस्टम शुरू किया था ना? यस सर। ठीक है, तो ऑनलाइन में अभी तुम्हारा बचा हुआ है बेटा मेरे साथ, ऑनलाइन वालों का सेल बचा हुआ है और सेल डिवीजन बचा हुआ है ना, दो चैप्टर बचे हैं ना इसके बाद। यस सर। फिर हमारी न्यूरल और केमिकल, इसका मतलब अभी आज के बाद हमारे चार चैप्टर बचेंगे 11th के। अमरनाथ सही कह रहा हूं? यस सर, चार बचेंगे। ठीक है, अब आप आ जाओ बेटा जो ऑफलाइन वाले पहला बैच है, अंशिका को पता होगा बेटा। यस सर। यस सर। पहले बैच में सरगम थी ना, पहले बैच में बेटा, अंशिका तुम तो सेकंड में चलेंगे ना, सरगम पहले बैच में फर्स्ट चल रहा था क्या सर? तुम्हारा क्या चल रहा था ऑफलाइन में? सर बायो मॉलिक्यूल से चल रहा था वो तो। अरे वो तो हो गया ना बेटा। सरगम तुम्हारा 11th क्लास का क्या बचा हुआ है, ऐसे पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सर एक तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन बचा हुआ है, केमिकल बचा हुआ है, लास्ट वाले जो, हाँ केमिकल बचा हुआ है सर, यही वाले चैप्टर्स बचे हैं। अच्छा, वो बेटा ऑनलाइन वालों के बचे हुए हैं, वही तुम्हारे बचे हुए हैं, एग्जैक्टली सेम है ना। और अंशी का बेटा सेकंड बैच में कहाँ थे हम? सर मैं फर्स्ट बैच में हूँ, सेकंड में नहीं। तो सेकंड की कौन है, साक्षी है या सर? मैं बता रहा हूँ सर, सेकंड बैच में। यस सर। सेकंड बैच में सर डाइजेशन ब्रीथिंग हो गया और बॉडी फ्लूइड थोड़ा सा हो गया था, बाकी सारा बचा है। सेकंड बैच का काफी बचा हुआ, इसका सेकंड बॉडी फ्लूइड बचा हुआ है, एक्सक्रीशन बचा हुआ है, लोकोमोशन बचा हुआ है, तीन चैप्टर का डिफरेंस, न्यूरल एंड केमिकल भी बचा हुआ है, वो तो उनका भी बचा हुआ है। प्रवीण तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्रवीण ने खाली बैठ के, मैं सिर्फ ये देख ज्यादा पीछे चल रहे हैं सर। दो बैचेस में क्या डिफरेंस है, तीन चैप्टर का डिफरेंस है बेटा। हाँ सर, ह्यूमन फिजियो ही है मेन तो। हाँ तो इसके बाद हम सेल और सेल शुरू करेंगे और सेल सर सेल डिवीजन और सेल डिवीजन है ना, सेल और सेल डिवीजन अगर हम कर देंगे तो फिर वो वाले चैप्टर 11th के पूरे हो जाएंगे जो सबके बचे हुए हैं। यस सर। है ना, न्यूरल और केमिकल भी कर देंगे तो अगर, लेकिन मैं न्यूरल और केमिकल नहीं कराऊंगा क्योंकि फिजियोलॉजी में एक साथ ही कराऊंगा, जब हम वापस ऑफलाइन आएंगे तो फिजियोलॉजी एक साथ ही करा दूंगा।
ठीक है। तो पहले हम बेटा सुन लो मेरी प्लानिंग सुन लो बेटा, पहले हम इसके बाद सेल करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, तो फिर हमारा इलेवेंथ का काफी मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे सिलेबस की बहुत चिंता। अच्छा, देर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, ठीक है बेटा, और इसमें याद रखना बेटा 2 पेयर्स ऑन थोरेक्स, 8 पेयर्स इन एब्डोमिनल रीजन, वेरी गुड बेटा, एंड 8 पेयर्स इन एब्डोमिन, ठीक है बेटा, 2 पेयर थोरेक्स में होते हैं और 8 पेयर बेटा एब्डोमिन पे होते हैं, 2 पेयर्स ऑन थोरेक्स है ना, एंड 8 पेयर्स ऑन एब्डोमिन। अच्छा एक चीज याद रखना, ट्रैकियो और ट्रैक्योल्स अभी मैंने पिछले डायग्राम में आपको दिखाया था, इंटरनली लाइंड होते हैं बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ट्रैकिया एंड ट्रैक्योल्स आर इंटरनली लाइंड बाय रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग। आर इंटरनली लाइंड बाय रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग, याद रखना बेटा ये चीजें हमारे ह्यूमंस के अंदर भी थी, सिमिलर टू ह्यूमंस। सर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वही हायरिंग कार्टिलेज का? हाँ बेटा बिल्कुल, ठीक है, ये बेटा हमारे ह्यूमंस के जैसा सिमिलर हो गया ना, आगे चलता हूं, ठीक है। फिर आ गया बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा मसल्स कौन सी होती है बेटा, जरा मुझे मसल्स कौन बता रहा है रेस्पिरेशन की? मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच are called turgosternal muscles, muscles क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है turgosternal muscles, ठीक है। एक चीज important है बेटा, बहुत important एक चीज याद रखना, cockroach में note करके लिखो बेटा, cockroach में एक इंस्पिरेशन पैसिव होता है, इंस्पिरेशन इज पैसिव और एक्सपिरेशन बेटा एक्टिव होता है। अगर मैंने आपको ब्रीदिंग कराया तो ह्यूमंस में उल्टा है, ह्यूमंस में इंस्पिरेशन एक्टिव है और एक्सपिरेशन पैसिव है, एक्सपिरेशन इज एक्टिव। ये आ गया बेटा उसका रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इसमें सर वैस्कुलर होता है और ओपन टाइप होता है। वेरी गुड बेटा, है ना, ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन है ना, ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटीज, है ना, ब्लड फ्लोज, हीमोसील, वेरी गुड बेटा, ओपन बॉडी कैविटीज कॉल्ड हीमोसील,
ठीक है, ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटीज कॉल्ड हीमोसील, इनको बेटा साइनस भी कहते हैं, साइनस भी कहते हैं, ठीक है, ओपन सर्कुलेशन, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इसको बेटा हम पेरिहीमल सिस्टम भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिहीमल सिस्टम। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिहीमल सिस्टम, इस तरह के सर्कुलेशन को हम पेरिहीमल सिस्टम भी कहते हैं। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना, देख लो बेटा, ओके, ठीक है, पेरिहीमल सिस्टम, ठीक है, अब अगला लिख लो बेटा, ब्लड ऑफ कॉकरोच is red in color, sorry white colorless plasma, बिल्कुल is colorless, ठीक है बेटा, colorless होता है, no hemoglobin, ठीक है बेटा, no other respiratory pigment, no other respiratory pigment, है ना, no other respiratory pigment, no RBC, no RBC, ठीक है, blood does not transport oxygen, ठीक है बेटा, blood does not transport oxygen, ठीक है, कोई और any other gas, ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करता ऑक्सीजन और एनी अदर गैस, डायरेक्ट जाके बेटा मैंने आपको दिखाया था ना, और एनी अदर गैस, है ना, ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और एनी अदर गैस, कॉकरोच का डिसेक्शन करना पड़ेगा सर। प्रवीण, अरे तू डिसेक्शन फालतू की बातें मत कर, कॉकरोच का क्यों करेगा डिसेक्शन, जो मैं लिखवा रहा हूं उतना याद कर ले, उसी में से आएगा। सुन प्रवीण, तुम्हारी बाकी सब्जेक्ट की 11th खत्म हो गई, मुझे एक तो मुझे डर लगता रहता है हमेशा। अभी नहीं सर, अभी नहीं हुई, नहीं हुई ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी में तो नहीं, बॉटनी में तो हो गई होगी क्या? नहीं सर, बॉटनी में अभी नहीं हुई सर, बॉटनी में। अच्छा, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, कौन से पे है, फोटोसिंथेसिस पे है? यस सर। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी 11th चल रही है ना, फिजिक्स की भी चल रही है ना 11th अभी? यस सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, फिजिक्स फिजिक्स में सर थर्मोडायनेमिक्स कराया है और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। चल सही है फिर तो, हम सही जा रहे हैं, खत्म करेंगे हम फटाफट, घबराना नहीं। अच्छा, ब्लड डज, पर मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे पास वो 12th वाले जो 16 में से 12 चैप्टर 13 चैप्टर, सुन, ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और एनी अदर गैस। अच्छा एक चीज और लिख बेटा, कि लेकिन ना ब्लड में WBC होते हैं, ब्लड हैज WBC, WBC होते हैं बेटा ब्लड में, ठीक है, ब्लड हैज WBC, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स मौजूद होते हैं, तो ब्लड का है ना, तो ब्लड का मेन बेटा मेन फंक्शन क्या होता है, WBC जाने से मेन फंक्शन क्या हो गया, हाँ बता दे बेटा, डिफेंस ऑफ द बॉडी, मेन फंक्शन क्या हो गया, डिफेंस ऑफ द बॉडी, डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा ये लिख लो, मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज डिफेंस ऑफ द बॉडी, लिख लिया बेटा? यस सर। डिफेंस ऑफ द बॉडी,
ठीक है, ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स ठीक है एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, बस गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करता बाकी सारे काम करता है, ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ और पेरिलिम्फ, इस तरह के बेटा ब्लड को नाम देते हैं हीमोलिम्फ या पेरिलिम्फ। हार्ट ऑफ कॉकरोच इलॉन्गेटेड मस्कुलर टाइप होता है, इज इलॉन्गेटेड 13 चेंबर मस्कुलर न्यूरोजेनिक टिब्यूलर एंड मेड अप ऑफ फैन शेप्ड एलरी मसल्स हार्ट इज 13 चैम्बर्ड ठीक है, एक्चुअली जो 13 चैम्बर्स होते हैं ना ये बेटा 13 सेगमेंट्स को करस्पॉन्ड करते हैं, these 13 chambers सर फैन शेप्ड के बाद क्या लिखा एलरी ALARY सर ये एलरी मसल हार्ट की मसल्स हैं, हाँ बेटा हार्ट की मसल्स को एलरी मसल्स कहते हैं, corresponds to 13 segments of the body, तीन बेटा थोरेक्स के और 10 एब्डो के, ये जो हम कहते हैं ना बेटा कि हार्ट इज मेड अप ऑफ 13 चैम्बर्ड, ठीक है ये बेटा 13 चैम्बर्स एक्चुअली 13 सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, ठीक है तीन थोरेक्स के और 10 एब्डो के, एक मिनट आ रहा हूं बेटा मैं, एक सेकेंड वेट करो अच्छा। हेलो somebody here लिख लिया बेटा
अगला लिख लो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। हाँ बेटा किसका बना होता है? मैलेफिसेंट ट्यूब का। मैलेफिसेंट ट्यूब्स, ठीक है, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ हाँ बता दे बेटा मिड गट एंड हाइंड गट। सर साइनसेस क्या होता है कि ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर इनटू द हार्ट थ्रू ऑस्टिया? किसी भी बेटा ओपन स्पेस को साइनस कहते हैं। ओके सर, ठीक है, और ऑस्टिया किसी भी ओपनिंग को कहते हैं। तो साइनस से हार्ट में कैसे जाता है? ऑस्टिया के थ्रू, ओपनिंग जो है। ओके सर, ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं है ना, ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा है ना, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एब्सॉर्ब्स सोडियम यूरेट, ठीक है, एंड पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है बेटा, ये सोडियम यूरेट है ना और पोटेशियम यूरेट के क्रिस्टल्स को बेटा ब्लड से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सोडियम यूरेट एंड पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, एंड कंबाइंस दीज क्रिस्टल्स विथ CO2 to form uric acid, ठीक है, to form uric acid, clear हो गया बेटा? तो sodium urate plus CO2 यूरिक एसिड, ठीक है, पोटेशियम यूरेट प्लस CO2 यूरिक एसिड, ठीक है, सोडियम यूरेट प्लस CO2 है ना यूरिक एसिड। ओके सर, डन सर, हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है। लास्ट स्लाइड दिखा दो प्लीज। हो गया, हो गया सर। सर हाँ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड ही कहते हैं ना इनको यूरिकोटेलिक एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल आप लिख लो बेटा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स है ना, देयरफॉर दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स फ्रॉम द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ठीक है, the uric acid crystals enter hind gut, ठीक है, and are removed out of the body, out of the body। और जो बेटा सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस are reabsorbed into the blood, they are reabsorbed into the blood, ठीक है बेटा, sodium and potassium ions are reabsorbed into the blood, ठीक है, sodium और potassium ions को वापस blood में reabsorb कर लेते हैं, ठीक है। apart from
ठीक है, मालपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मालपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है, अदर ऑर्गन्स, अदर स्ट्रक्चर्स सच एज, बोल दो बेटा, नेफ्रोसाइट्स, वेरी गुड, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज, यूरिकोज ग्लैंड्स एंड फैट बॉडीज, एंड फैट बॉडीज हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन, 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 ठीक है बेटा, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड्स एंड फैट बॉडीज ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, लिखिए बेटा, यस सर, हो गया बेटा, यस सर, अगला लिख, नर्वस सिस्टम, ऑफ कॉकरोच, ठीक है, consist of central nervous system and peripheral nervous system, central nervous system and peripheral nervous system, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है बेटा, मेड अप ऑफ गैंग्लियन, मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड का बना होता है बेटा, ठीक है, ये बेटा ब्रेन है, ये बेटा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, हाँ बेटा, सब इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये होते हैं बेटा थोरेसिक गैंग्लियन, ये होते हैं बेटा एब्डोमिनल गैंग्लियन, सर सुप्रा के नीचे क्या लिखा है, हाँ बेटा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ये बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है,
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज का बना होता है बेटा? ब्रेन और नर्व कॉर्ड, है ना, ब्रेन और नर्व कॉर्ड का बना होता है बेटा। ब्रेन में क्या होता है, तीन सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं बेटा, तीन सबिसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं। और नर्व कॉर्ड कैसी होती है बेटा? नर्व कॉर्ड होती है डबल वेंट्रल सॉलिड। ठीक है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है बेटा। क्लियर हो गया सर? एब्डोमिनल में कितने हैं? देख बेटा, थोरैक्स में तीन गैंग्लियन और एब्डोमिन में छह गैंग्लियन है। बेटा नर्व कॉर्ड को ही, स्पाइनल कॉर्ड को ही बेटा नर्व कॉर्ड कह देते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि वो स्पाइन्स के अंदर होती है, स्पाइन वर्टिब्रे का हिस्सा है। इसलिए जब हमारी, अब इनके अंदर वर्टिब्रे तो होती नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम तो होती नहीं है, तो इसलिए हम इसके अंदर बेटा स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहते, हम इसको नर्व कॉर्ड कह देते हैं। हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड होती है, वो वर्टिब्रे के अंदर होती है, वर्टिब्रे के अंदर स्पाइन्स होते हैं, उसके अंदर होती है नर्व कॉर्ड, इसलिए उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। ठीक है, नर्व कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा? आगे चलो। यस सर, यस सर। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड। इसमें दो नर्व इंपॉर्टेंट है बेटा। जो फर्स्ट नर्व है ना, विच अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, is connected first nerve which arises from brain is connected to antenna. Second nerve which arises from brain is connected to compound eyes. Is connected to compound eyes. Clear ho gaya? आगे चल रहा हूं मैं बेटा। सर एक मिनट। कर लो सर। ठीक है, आगे चलो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट। Reproductive system, clear cut sexual dimorphism, है ना, that is male cockroach can be clearly distinguished from female cockroach due to presence of anal style in male cockroach. Due to presence of anal style in male cockroach. ठीक है, क्लियर डिस्टिंग्विशन। सर, इट्स द लास्ट लाइन। सर,
हो गया बेटा? सर ये वैसे भी तुम अपने आप ही पढ़ना बेटा एनसीईआरटी से। सर एक मिनट, मेल कॉकरोच टेस्टिस हैज वन पेयर ऑफ टेस्टिस, फोर टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट, फोर टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, ठीक है। और फिर ये स्पर्म्स कहां जाते हैं बेटा? हाँ बेटा, ये स्पर्म्स कहां जाएंगे? वासा डिफरेंशिया, ठीक है। फ्रॉम टेस्टिस स्पर्म सेंटर वाटर वासा डिफरेंशिया, फ्रॉम टेस्टिस स्पर्म्स एंटर वासा डिफरेंशिया, ठीक है बेटा। और कहां पहुंच जाते हैं बेटा? पहुंच जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स में। ये बेटा सेमिनल वेसिकल्स है, सेमिनल वेसिकल्स में पहुंच गए। ग्रीन कलर के स्पर्म्स दिखा देते हैं, यहां पे बने और यहां आ गए, और यहां से बेटा यहां आ गए। ये स्पर्म्स है ग्रीन कलर के, ठीक है, और यहां आ गए बेटा, ये आ गए स्पर्म्स, ठीक है। ये होता है बेटा इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और होते हैं बेटा फेलोमियर्स, लेफ्ट फेलोमियर राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, ठीक है। इसके अलावा बेटा टाइटिलेटर होता है, टाइटिलेटर, और बेटा स्यूडोपेनिस होता है, ठीक है। फ्रॉम वासा डिफरेंशिया स्पर्म्स एंटर सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? फैलिक ग्लैंड। हाँ फैलिक ग्लैंड। इसकी सिक्रीशन क्या करती है बेटा? न्यूट्रिशन। सर ये क्या लिखा है? राइट फेलोमेयर। हाँ सिक्रीशन ऑफ टाइटिलेटर के नीचे स्यूडोपेनिस टाइटिलेटर, लेफ्ट फेलोमेयर वेंट्रल फेलोमेयर राइट फेलोमेयर, सिक्रीशन ऑफ फेलिक ग्लैंड। और एक यूरिकोज ग्लैंड्स भी होता है बेटा, है ना? ये यूरिकोज ग्लैंड्स है, सिक्रीशन ऑफ फेलिक ग्लैंड एंड यूरिकोज ग्लैंड। सब मशरूम ग्लैंड्स नहीं होते? हाँ वही मशरूम यूरिकोज को ही कहते हैं बेटा, है ना? सिक्रीशन ऑफ फेलिक ग्लैंड एंड यूरिकोज ग्लैंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। और ये जितने ये सब होते हैं ना फेलोमियर्स और ये सब, ये बेटा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। फेलोमियर्स टाइटिलेटर एंड स्यूडोपेनिस,
आर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स. Are external genital organs. तेज लिखो बेटा इसको क्योंकि सर आपने बहुत छोटे छोटे हाँ स्क्रीनशॉट भी ले लेना इस वाले का जरूर और थोड़ा तेज लिखो बेटा क्योंकि ना टाइम हो गया इस वाले को तेज लिखो क्योंकि बनाया और लिखा बहुत है इस वाली स्लाइड पे और इसका सब स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि अगर कुछ रह गया हो तो वहां से लिख लो फिर. हो गया सर. ठीक है. स्पर्म्स बेसिकली वासर डिफरेंस में आ गए बेटा और वासर डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल आ गए है ना और सेमिनल वेसिकल से स्पर्म्स फिर इजैकुलेटेड डक्ट में आ गए. सर एक मिनट ऊपर वाली लाइन लिख रहे हैं बस. ये बेटा इजैकुलेटेड डक्ट में भी दिखा दो स्पर्म्स. सारे स्पर्म्स बेटा इजैकुलेटेड डक्ट में आ गए. सर सबसे ऊपर क्या लिखे हैं फेलोमियंस के बाद फेलोमी. अरे बेटा टाइटिलेटर और सूडोपेनिस यही तो होगा जो लेबलिंग में वही तो आएगा. ओके सर. Phellomius, titillator and pseudopenis are external genital organs. बना लिया बेटा सबने. सर ये क्या लिखा सबसे नीचे यूरिकोज ग्लैंड्स के बाद. यूरिकोज ग्लैंड के बाद कुछ नहीं लिखा बेटा. फैलिक ग्लैंड और यूरिकोज. सर नीचे सबसे नीचे सबसे नीचे. Provide nutrition to sperm. Provides nutrition to sperms. बन गया. Yes. अब इसका स्क्रीनशॉट लास्ट लाइन में रे सर एक बार लास्ट फीमेल एक पेयर बेटा ओवरी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर स्पर्मेटोफोर्स क्या होते हैं. स्पर्मेटोफोर बेटा उसमें मिलेंगे ना जहां पे जब हम सारे स्पर्म्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो एक बॉल बन जाती है उसे हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं. ओके सर. तो ओवरी ओविडक सॉरी ओविडक कह रहा हूं ओवेरियोल ओवेरियोल. ठीक है. ओवेरियोल से बेटा ओवा कहां पहुंच गए. ओविडक्ट ओविडक्ट. ठीक है. फिर आ गया बेटा क्या जेनाइटल है ना. फिर आ गया बेटा वेजाइना और वेजाइना के बाद बेटा जेनाइटल चैम्बर. ठीक है. वेजाइना और जेनाइटल चैम्बर और ये आ गया बेटा यूरिकोज ग्लैंड्स. यूरिकोज ग्लैंड्स. ठीक है. और बीच में आता है बेटा स्पर्मेथिका. स्पर्मेथिका फीमेल है ना. वन पेयर ऑफ ओवरी है ना. सेकेंड टू सिक्स सेगमेंट है ना. टू टू सिक्स सेगमेंट. ठीक है. ईच ओवरी हैज एट ओवेरियोल्स. Has eight ovarioles. Each ovary has eight ovarioles. Each ovariole produces one ova. Produces one ova. Each ovariole eight है ना. तो each ovary produces eight ova. है ना. ओवाज रीचेस ना जेनाइटल चैम्बर. ओवा बेटा जेनाइटल चैम्बर में पहुंचते हैं. स्पर्मेथिके रिसीव्स स्पर्म्स एट सिक्स सेगमेंट. ठीक है बेटा.
लिख लिया बेटा? चेंज करूं बेटा? यस सर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेनाइटल चैम्बर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बेटा जेनाइटल चैम्बर में होता है। ठीक है, 16 जाइगोट्स, क्योंकि 8-8 दोनों साइड से आ गए ना बेटा, आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ है ना उथिकल, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड का नाम क्या था बेटा? यूरिकोज नहीं होता, मैंने गलत लिख दिया। देख ग्लैंड का नाम क्या था? होता है। हाँ बेटा, कौन सा ग्लैंड था फीमेल में? कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेक्टेरियल। ठीक करना बेटा इसको, सिक्रीशन ऑफ कोलेक्टेरियल ग्लैंड फॉर्म्स ए लेयर। ठीक है, अराउंड 16 जाइगोट्स है ना, स्ट्रक्चर कॉल्ड उथिका। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉल्ड उथिका। फीमेल कॉकरोच डिपॉजिट दिस उथिका इन सेफ एंड डार्क कॉर्नर। Deposits this uthika in safe and dark corner. From each uthika, (13 to 16) young ones hatches out. ठीक है, young ones of cockroach आर कॉल्ड निम्फ। ठीक है, यंग मंस को बेटा निम्फ कहते हैं, लार्वा नहीं कहते, नॉट लार्वा, क्योंकि बेटा ये एकदम एडल्ट के जैसे ही लगते हैं। निम्फ अंडरगोस थर्टीन मोल्टिंग्स। मोल्टिंग में बेटा वो उड़ जाता है, उसकी क्यूटिकल अब ग्रोथ हो जाती है to change into adult cockroach. Nymph undergoes 13 moltings to change into adult cockroach. ठीक है, adult cockroach. Stage between moltings is called instar. Molting control होती है by a hormone egg dysone. Molting is controlled by a hormone egg dysone. सर हार्मोन की एक बार स्पेलिंग डिक्टेट करना। एग डाइसोन, ई सी डी वाई एस ओ एन, एग डाइसोन। ओके सर। कॉकरोच खत्म। सर ये मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग में बेटा क्यूटिकल शेड हो जाता है, क्यूटिकल को शेड कर देते हैं, ग्रोथ होती है, फिर से क्यूटिकल आ जाता है, ये एक मोल्टिंग। सर उथी का बता रहा है, सर ये क्या निम्फ के नीचे का लिखा स्टेट, उसके चारों तरफ स्ट्रक्चर है उथी का। क्या सर दोबारा बोलना?
जो 16 एम्ब्रियोस के चारों तरफ स्ट्रक्चर है वो उथी का। सर फिर ये क्या लिखा है उथी का इन द सेफ एंड डार्कर कॉर्नर? उसको उठा करके वो एक कहीं पे बाहर लगा देती है, आपके घर के एकदम कॉर्नर में लगा देगी जहां कोई पहुंच ना पाए। हार्मोन कौन सा? हार्मोन कौन सा यार? एक डाइसोन।